हाय फ्रेंड, कैसे हो। आज हम आलू का भरता प्याज वाली बनाने का तरीका बताएंगे। हमने एक वीडियो में बिना प्याज वाली भरता बनाने का तरीका बताए हैं, हम इसमें प्याज वाली भरता बनाने का तरीका बताएंगे। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हो। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो प्याज वाली भरता बनाने का तरीका बता रहे हैं। हमने उबाली हुई आलू ले ली है, इसे पूरी अच्छी तरह से छील लेना है। हमने सभी को अच्छी तरह से छील करके ले ली है। अब हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सभी को तोड़ लेना है। मैश नहीं तो मैशर से आप मैश कर सकते हो। अब मैं इसमें मिक्स करने के लिए दो बड़े साइज का प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कट ली है, मूंगफली का दाना, हींग, हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा और कटी हुई लहसुन और अदरक। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के डाल सकते हो। अब हमें कढ़ाई को हाई गरम कर लेनी है। हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से हाई गरम कर ली है। अब हम उसमें 3 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल भी हाई गरम होनी चाहिए। हमने सरसों का तेल हाई गरम कर ली है। अब उसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। उसके बाद 1 छोटी चम्मच जीरा, कटी हुई लहसुन, आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हो, अदरक क्रश किया हुआ, हरी मिर्च, कढ़ी का पत्ता, कटी हुई प्याज और मूंगफली का दाने। हमने सभी को डालकर अच्छी सुनहरे होने तक इसे भून लेंगे। पूरी अच्छी तरह से प्याज को सुनहरे होने देंगे, चलाते रहना है ताकि अंदर चिपके नहीं। हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छी तरह से भूंज कर ले ली है। अब हम उसमें मैश किया हुआ आलू को भी डाल देंगे। हमने सभी आलू को अच्छी तरह से डाल दी है। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा मरीच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच मिक्स करके, सब्जी मसाले पाउडर आधी चम्मच छोटी चम्मच ले लिए हैं। अब सभी को चलाते हुए अच्छी तरह से आलू को मैश करना है, मसाले के साथ फ्राई भी करना है। हमें चलाते हुए अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से फ्राई भी कर लेना है और मैश करते जाना है। आलू को पूरी अच्छी तरह से चलाते रहे ताकि अंदर चिपके नहीं। बस इसे बनने में 5 मिनट लगी है। अब आलू का भरता हो गई है। अब हम ऊपर से अजवाइन 1 चम्मच मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए और भूंज लेंगे। आलू का भरता बनने में हमें 5 मिनट लग गई है। अब आलू का भरता हो गई है। आलू का भरता बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।